यदि मन में प्रेम हो तो विश्व जीता जा सकता है। और यही पाठ संसार को पढ़ाने के लिए नारायण और लक्ष्मी का सातवां अवतार आया था, श्री राम और सीता के रूप में। सातवां अवतार, किंतु छठा अवतार कहाँ गया? छठा अर्थात भगवान परशुराम। राधा, भगवान परशुराम और श्री राम की गाथा एक दूसरे से संबंधित है। राम की गाथा में परशुराम है और परशुराम के नाम में ही राम। राम और सीता के जन्म की, उनके जन्म से उनके मिलन तक की अनेक कहानियां हैं, किंतु मैं ये कहानी तुम्हें उस क्षण से सुनाऊंगा जो क्षण मेरे लिए अत्यंत प्रिय। राधा, वो क्षण था जब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर दिखाने सीता की नगरी मिथिला लेकर गए। राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ मिथिला के महल की उस सुंदर वाटिका में विचरण कर रहे थे। सीता को देखकर राम को लगा जैसे जैसे ब्रह्मदेव ने संसार की सारी सुंदरता उनके नेत्रों के समक्ष लाकर रख दी। फिर क्या हुआ? बताओ ना कृष्ण, फिर आगे क्या हुआ है? फिर राम और सीता ने एक दूसरे को पहली बार देखा। मिलके तुम्हें ऐसा लगा श्री राम, मिलके तुम्हें ऐसा लगा हर पल है जैसे थम गया। मिलके तुम्हें ऐसा लगा हर पल है जैसे थम गया। तुमसे परे देखूं मैं क्या, तुमसे परे तुम, मेरी प्रार्थना हो तुम मेरे प्रभु राम। पहले ही दृष्टि में राम और सीता एक दूसरे के हो गए थे। पता नहीं क्यों कृष्ण, किंतु इस कहानी के आरंभ में ही मुझे अद्भुत प्रेम की अनुभूति हुई। मैंने ये जो सारी कहानियां तुम्हें सुना ही रहा था, इसी कहानी के लिए तो सुना ही। ये अत्यंत महान गाथा है जिसे सुनकर तुम्हारे मेरे इस संबंध के विषय में तुम्हें जो भी शंका है, जो भी संदेह, सब दूर हो जाए। तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं राधा, तुम्हें सारे उत्तर मिल जाए। सच, मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है। किंतु कृष्ण, राम और सीता को केवल एक ही दृष्टि में एक दूसरे से इतना पवित्र और शुद्ध प्रेम हो गया,
कैसे? जो जन्म जन्मांतर के प्रेमी होते हैं ना, एक दूसरे के नेत्रों में देखकर ही एक दूसरे की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, और वहां उन्हें अनुभूति होती है परिशुद्ध प्रेम की, जैसे हम हैं, जैसे तुम और मैं, जैसे राधा और कृष्ण। मैंने जो पहली बार तुम्हें देखा था, उसी क्षण मुझे तुमसे प्रेम हो गया। ऐसा प्रेम जो आत्मा से जुड़ा, ऐसा प्रेम जो अनंत, जो अखंड, ऐसा प्रेम जो अथाह है। सभा में उपस्थित सभी गुरुजन, राजाओं, राजकुमारों एवं युवराजों को मिथिला नरेश जनक का हार्दिक अभिनंदन। आज आप सबके सामने ये जो दिव्य शिव धनुष रखा हुआ है, ये मुझे भगवान परशुराम ने दिया था, और इस स्वयंवर की चुनौती यही है कि आप में से जो वीर क्षत्रिय इसे उठाएगा और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी से होगा। भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली धनुष, जिससे वो संसार में प्रलय लाते थे, उसे उठाना तो असंभव था ही, और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना उससे भी अधिक असंभव। पृथ्वी के सारे राजा आए थे उस धनुष को उठाने के लिए। क्या इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो इस धनुष को उठा सके, मेरी पुत्री को वर सके? मैं हूँ।
असुर राज, लंकापति रावण, महादेव का परम भक्त, मैं उठाऊंगा यह धनुष। जब मैं रावण महादेव का परम भक्त इस धनुष को नहीं उठा पाया तो भला इस संसार में और कौन उठा पाएगा इस धनुष को। क्या ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो चुकी है? क्या कोई ऐसा नहीं जो मेरी पुत्री के वर होने का पात्र हो? है महाराज, मेरा आपसे अनुग्रह है महाराज, इस शिव धनुष को उठाने का अवसर मेरे शिष्य को भी दिया जाए। अवश्य महर्षि विश्वामित्र। आदरणीय सभागण, मिथिला नरेश राजा जन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अयोध्या का युवराज राजा दशरथ का पुत्र राम। अपने गुरु के आदेश से इस धनुष को उठाने की अनुमति चाहता।
कृष्ण सबसे शक्तिशाली असुर, महादेव का भक्त रावण, जब वो उस दिव्य धनुष को नहीं उठा पाया तो राम ने उस धनुष को कैसे उठा लिया कृष्ण? क्योंकि जिनके मन में प्रेम की शक्ति होती है राधा, वही तो असंभव को संभव करके दिखा पाते हैं। पर स्मरण रखना, महादेव का सबसे बड़ा भक्त रावण नहीं, नारायण। हर हर महादेव, ये तो संभव होना ही था। अब जब समस्त प्रेम की शक्ति होगी, जब महादेव का सबसे बड़ा भक्त उनका धनुष उठाने का प्रयास कर रहा था, तो ये सब तो संभव होना ही था रहा। फिर क्या हुआ क्षमा कर दीजिए महाराज, इस धनुष को तोड़ने की या किसी भी प्रकार से इसे क्षति पहुंचाने की मेरी कोई मंशा नहीं। अयोध्या के युवराज राम ने असंभव को संभव कर दिखाया, अर्थात नियम अनुसार मेरी पुत्री सीता का विवाह राम से हो। राम सीता, राम सीता, मेरे आराध्य महादेव का ये धनुष, इसे तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? और इस प्रकार वहां पर भगवान परशुराम का आगमन। परशुराम? किंतु वो तो नारायण के छठे अवतार थे ना? मैंने तुमसे कहा था भगवान परशुराम और श्री राम की गाथा एक दूसरे से संबंधित है। ये एक ही गाथा के दो अंग है। एक और बात स्मरण, परशुराम, राम और कृष्ण तीनों एक ही माला के तीन मोती। कृष्ण, तुम्हारा भगवान परशुराम से कोई संबंध है क्या? है राधा,
अत्यंत गहरा संबंध, तो समय आने पर मुझे इस संबंध को निभाना ही होगा, चाहे ये कार्य तुम्हारे मेरे लिए अत्यंत कठिन प्रतीत हो, किंतु हमें ये करना ही होगा। कृष्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो ना इसे, पहले ये कहानी तो सुन लो। सुन तो लो कि आगे राम और सीता के साथ क्या हुआ। किसने तोड़ा? किसने तोड़ा शिवधनुष? भगवान परशुराम, वो मैं हूं जिसने ये शिवधनुष तोड़ा। तो तुम हो वो शिवद्रोही। अब युद्ध के लिए सज्ज हो जा। कथन तो सुन लीजिए। किंतु यदि महादेव को इससे आपत्ति होती तो महादेव स्वयं यहां आ जाते। आप ही बताइए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप और मैं, हम दोनों ही महादेव के परम भक्त हैं। इस प्रकार भगवान परशुराम समझ गए कि राम भी नारायण का स्वरूप है। ठीक कहा तुमने, हम दोनों एक जैसे ही हैं। ये तुम्हारे लिए है श्री राम, भगवान श्री विष्णु का धन। हर युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगा। श्री विष्णु का धनुष उन्हें ही पुनः लौटा कर चिरंजीवी परशुराम चले गए।